हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है कि यहाँ से इतने सारे एथलीट्स निकल के आते हैं? अपना मेडल आए या ना आए, बट अपनी पर्सनल बेस्ट थ्रो कर जरूर करके आए। आई थिंक यही चीज एक इंटरव्यू में नीरज चोपड़ा ने भी बोली थी। मेरे को पता भी नहीं था पहले कि ओलंपिक चीज क्या होती है। कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहेंगे आप? नीरज चोपड़ा खुद को नहीं पता रहा कि मेरा मेडल आ जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता है, जहां पर आपके और विनर के बीच में सिर्फ 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस था जो थ्रो में। मेरे साथ जो आज हुआ था, खेतों में जो पंखा होता है उसमें मेरा हाथ कट गया था। वो मोमेंट याद है जब आपने पहली बार जैवलिन उठाया, तब आपने सोचा था कि आप इतने सारे अचीवमेंट्स लाएंगे देश के लिए? नहीं, नीरज चोपड़ा के साथ मैंने 2 कॉम्पिटिशन किए भी हैं। और अपनी इस गवर्नमेंट पोजीशन को, जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनको कैसे मैनेज कर पाते हैं? मेरा एक सबसे बड़ा गोल एक ही है, जो इंडिया में ओलंपिक होना, मैंने उसमें मेडल जीतना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन ऑल न्यू एपिसोड ऑफ आवर ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द फील्ड, प्रेजेंटेड बाय बजब्रिक स्टूडियोज। आप सबने नीरज चोपड़ा का नाम तो सुना ही होगा, बट हमारे साथ है आज एक और स्पेशल जैवलिन थ्रोअर जो भारत के लिए बहुत सारे मेडल्स जीत रहे हैं। इनका नाम है रिंकू हुडा। 3 साल की उम्र में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से इन्होंने अपना एक हाथ खो दिया था, बट फिर भी इन सारे चैलेंजेस को दरकिनार करते हुए इन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल्स जीते, और ये सिर्फ अभी 24 साल के हैं। इनकी स्टोरी जानने के लिए डू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल दी एंड, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। भैया थैंक यू सो मच, आप आज हमारे साथ ये पॉडकास्ट शो कर रहे हैं। आई नो कि यहाँ से 2 महीने बाद आप चाइना जाने वाले हैं एशियन गेम्स के लिए, और आपकी बहुत ही ज़्यादा बिजी ट्रेनिंग शेड्यूल है, बट उसके बीच में भी हमने अपने हमें टाइम दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, इसके लिए आपने मेरा ये इतना वो माना, तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुझे ये पता है कि आप जैवलिन थ्रो में आने से पहले स्पोर्ट्स में और स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, राइट? तो आपकी स्पोर्ट्स की जो ये जर्नी है, ये स्टार्ट कब से हुई? मैं स्टार्टिंग से गेम में हूँ। जब मैं 2003 में, मेरे साथ जो हादसा हुआ था, खेतों में जो पंखा होता है उसमें मेरा हाथ कट गया था, तो 2003 से मैंने धीरे धीरे मैंने स्टडी की है। हालांकि मैं गेम से स्टार्टिंग में हूँ, क्रिकेट होया या वॉलीबॉल होया, तो मैंने गेम स्टार्ट किया हालांकि 2013 में जनवरी की 15 तारीख से। पहले मैं 100 मीटर किए, मैंने फिर 200 किए, फिर मैंने 400 मीटर करी है, फिर मैंने लॉन्ग जंप किया है, डिस्कस थ्रो किया है, मैंने जैवलिन स्टार्ट किया 2015 में। ओके, तो जैवलिन स्टार्ट करने का रीज़न क्या था, और आपको मोमेंट याद है जब आपने पहली बार जैवलिन उठाया, तब आपने सोचा था कि आप इतने सारे अचीवमेंट्स लाएंगे देश के लिए? नहीं, देखो जब मैंने जैवलिन उठाया तो मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल तक चला जाऊंगा, क्योंकि जैवलिन तो मैंने ऐसे ही यूज कर लिया, मैंने वर्कआउट हो चुका था मेरा, उसके बाद मैं वैसे कूल डाउन चक्कर लगाया तो मैंने वैसे ही जैवलिन उठा ली, तो मेरे को अच्छा लगा था। ओके, तो ये जैवलिन थ्रो की जर्नी शुरू कहाँ से हुई, किसी कोच के साथ हुई, या कौन सा ईयर था वो जब आपने ये शुरू किया? ये 2015 का दिसंबर का महीना था, उस टाइम पे तो हमारी टीम कहीं जा रही थी, शायद USA, पता नहीं कौन सी जगह पे टीम जा रही थी, तो उसके लिए ट्रायल चल रही थी, तो मैंने वैसे ट्राई कर लिया, तो उसमें मेरा अच्छा गया था थ्रो। ओके, तो ये बिना किसी एक्सपेक्टेशन के ये जर्नी बिना किसी के स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद ये एक लाइक एक पूरे मोटिवेशन में बदलती चली गई, और फिर आपने इस स्पोर्ट को फुल टाइम परस्यू किया। देखो मैंने खुद नहीं सोचा था कि भाई मैं 2016 ओलंपिक खेल जाऊंगा, मेरे को पता भी नहीं था पहले कि ओलंपिक चीज़ क्या होती है। पहले सच बताऊं तो जब मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया, मैं ओलंपिक में पहुंचा, तब मेरे को ये पता चला कि ओलंपिक चीज़ क्या होती है। ओके, तो एक ओलंपिक की भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उस पर थोड़ी देर में आएंगे, बट उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा शुरुआत में जैवलिन थ्रो करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली और बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली एडवांस स्पोर्ट है, इसमें कोऑर्डिनेशन वगैरह और बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो शुरुआत में आपको क्या चैलेंजेस आए थे इस स्पोर्ट में आने में? देखो वर्क को काम कोई भी हुआ वो छोटा नहीं होता, ठीक है, उसको टाइम लगता है हर चीज़ को करने में, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल भी लग जाते हैं, बट धीरे धीरे हमने स्टेप बाई स्टेप काम किया उस चीज़ पे, तो तब यहाँ तक पहुँचे हम। ओके, तो ये जर्नी डेफिनेटली आसान नहीं रही होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दिन मॉर्निंग इवनिंग हमने वर्कआउट किया, उसके ऊपर एक एक चीज़ पे काम किया, छोटी छोटी चीज़ों पर।
तो इसमें सबसे बड़ा लाइक किसी भी एथलीट के लिए सबसे बड़ा होता है उसका सपोर्ट सिस्टम, तो आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या रहा है अभी तक? वो कोई भी हो सकता है, कोचेस, फैमिली, फ्रेंड्स या कोई भी, तो उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट किसका? देखो, मैं अपने भाई का नाम बदल लेता हूँ, क्योंकि जो जिसने सब कुछ त्याग मेरे लिए किया है, सुबह शाम मेरे साथ चला है ग्राउंड पे, मेरा हर काम मेरे से आगे किया उसने, तो मैं उसको करता हूँ सब कुछ। ओके, तो आपके भाई आप ही के साथ रहते हैं, आप ही के साथ सारा कुछ इन्वॉल्व? कंटिन्यू मेरा भाई, दो जब से मैंने गेम स्टार्ट किया जब से मेरे साथ चलता रहा। ओके, आपका भैया ट्रेनिंग रूटीन क्या रहता है, लाइक एक डेली ट्रेनिंग रूटीन आपका क्या होता है? देखो, एक सेशन होता है जैसे कंपटीशन, हम 6 महीने पहले जो हमारा शेड्यूल आता है, तो 3 महीने का ऑफ सीजन चलता है हमारा, 3 महीने का स्पीड वर्कआउट चलता है। ऑफ सीजन में मॉर्निंग में 3 घंटे ट्रेनिंग चलती है, शाम को 3 घंटे चलती है। और ये डेली रहता है? ये नहीं, जैसे कंपटीशन के ऊपर बात होती है, बड़ा कंपटीशन में जैसे अभी एशियन गेम है, अभी एशियन गेम की हमारी 1.5 महीने का ट्रेनिंग चल रहा है, उसमें ऑफ सीजन लगेगा 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को, फिर जो स्पीड वर्कआउट लगेगा उसमें हमारा 1 घंटे वर्कआउट होता है मॉर्निंग इवनिंग का। ओके, तो अभी एशियन गेम्स की तैयारी के लिए आपका डेली यही रूटीन रहता है? अभी डेली यही चल रहा मॉर्निंग इवनिंग। ओके, तो आपका डाइट प्लान क्या रहता है ताकि आप इन गेम्स के लिए प्रिपेयर कर पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो गेम्स होंगे ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होंगे। देखो, डाइट वगैरह तो मैं तो स्टार्टिंग से देश अपना जो घर पर होती है डाइट वही खाता हूँ, हालाँकि मेरा न्यूट्रिशन भी वो मेरे को डाइट प्लान बताता है, मैं उसको फॉलो भी करता हूँ जितना मेरे से होता है, बट जो होता मैं अपने खुद खाता हूँ, खुद ही लेता हूँ ज़्यादातर। ओके, कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहेंगे आप अपनी डाइट के बारे में, जो देसी डाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं? देखो, मैं तो सबसे ज़्यादा लस्सी और दही पीता हूँ। ओके, आई थिंक यही चीज़ एक इंटरव्यू में नीरज चोपड़ा ने भी बोली थी, तो मुझे लगता है एक जैवलिन थ्रोअर के लिए ये लस्सी और दूध और दही का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है। नहीं, ये तो देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि भाई उसको उसकी बॉडी के किस चीज़ को वो कर रही है, बॉडी के ऊपर बात होती है। राइट, आपको शुरुआत में पता भी नहीं था जब आपने ये स्टार्ट किया कि ओलंपिक्स होता क्या है, राइट? बट 2016 में आप पैरालंपिक्स के लिए गए, आप उस कंपटीशन में शायद 16.5 ईयर्स के थे और आप उस कॉम्पिटिशन के यंगेस्ट एथलीट थे, वहाँ पर आपकी 5th पोजीशन आई, जहाँ पर आपके और थर्ड लाइक एक मेडल के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। मुझे ये जानना है कि एज एक 16 साल का बच्चा जो कि उस कंपटीशन के लिए गया है, आपने वहाँ पर क्या सीखा, मतलब आपकी बिगेस्ट लर्निंग क्या थी? देखो, उस टाइम पे जब मैं गया था वहाँ पे, मैं बिल्कुल बच्चा 16 साल की उम्र में, तो मेरे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला और जिसका कारण आज मैं यहाँ पे हूँ। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई 2 लर्निंग्स बताइए जो आज भी उस गेम से आपने सीखी, और जो एक आज अगर एक 16 साल का बच्चा ये पॉडकास्ट सुन रहा है वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए, तो वो क्या चीज़ होगी? देखो, एक पार्ट होता है गेम में कोच का सबसे बड़ा, क्योंकि 2016 ओलंपिक के टाइम पे मेरे पास कोच नहीं था कोई भी, मैं खुद ही गया हूँ वहाँ पे जो ओलंपिक में, तो कोच का, फिजियो का एक टीम होती है पूरी, वो टीम का बहुत ज़्यादा साथ होना जरूरी है तभी कोई खिलाड़ी आगे होता है। फिजियो होता है, कोचिज होता है, भाई होता है, फैमिली होती है, सबका सपोर्ट होता है, बहुत ज़रूरी है। इस मेंटल ट्रेनिंग की बात पे आते हैं, आपके लिए भी कुछ मुश्किल डेज रहते होंगे, राइट? कुछ ऐसे डेज रहते होंगे जहाँ पर आप उतना मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे, कभी कभार सेल्फ डाउट्स आते होंगे, कभी कभार कंपटीशन से पहले भी जो स्ट्रेस है या जो लोगों का प्रेशर है जहाँ पर सब रिजल्ट्स की डिमांड कर रहे हैं, तो मेंटली आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल रहना पड़ता होगा, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? देखो, प्रेशर मैं एशियन 2018 में जो एशियन गेम हुआ था इंडोनेशिया में, उससे पहले मैं प्रेशर बहुत ज़्यादा लेता था, बट उसके बाद मैंने प्रेशर लेना छोड़ दिया, क्योंकि ये लोगों की बात सुनने को मिलती है, होता है बाहर वालों की, अंदर वालों की, फैमिली वालों की, बट उसके बाद मैंने प्रेशर लेना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने खुद को ये पता था कि भाई करना मेरे को है, चलना मेरे को है, तो मैंने प्रेशर लेना छोड़ दिया था। बिल्कुल, आई थिंक वो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपने सीखी है, बट इसी के अराउंड जब आप उस रनवे पे होते हैं, आप जैवलिन थ्रो करने जा रहे होते हैं, तो मन में क्या चल रहा होता है कि
गोल दिख रहा होता है या बाकी चीज़ों पे ध्यान जा रहा होता है या क्या क्या चल रहा होता है उस टाइम पे? नहीं देखो, गेम के टाइम तो हम पहले प्रिपेयर होके जाते हैं यहाँ से, भाई अपना मेडल आए या ना आए बट अपनी पर्सनल बेस्ट थ्रो जरूर करके आएंगे। अगर हम पर्सनल बेस्ट थ्रो करेंगे तो हमारा मेडल कन्फर्म है। तो भैया एक और चीज़ बताइए कि अभी आपने ना बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेल लिए हैं, ये आप भले ही सिर्फ 24 साल के हैं अभी, बट आपकी ये जर्नी 16 साल की उम्र में ही स्टार्ट हो गई थी जहाँ पर आप इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर आपने 2018 में अच्छी परफॉर्मेंसेस की, अभी रिसेंटली आपने एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता है जहाँ पर आपके और विनर के बीच में सिर्फ 3 सेंटीमीटर्स का डिफरेंस था जो थ्रो में। तो आप के जो इतने सारे जो मेमोरीज आपने जो क्रिएट करी है उसमें से सबसे मेमोरेबल मोमेंट या अचीवमेंट मैं एक अगर गिनवाना चाहूँ तो वो क्या होगी? देखो सबसे ज़्यादा मैं अपना ओलंपिक ही मानूंगा, 2016 वाला जो मैंने इतनी छोटी उम्र में मैंने इतना कुछ पाया, वहीं से मैंने कुछ सब कुछ सीख के यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत अच्छा है। और अभी भी रिसेंटली भी आप जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए गए थे वहाँ पर आपने सिल्वर मेडल जीता, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को वो सिल्वर मेडल दिखाएं एंड जो इंडिया के लिए आपने जीता है, और आई थिंक गोल्ड भी इंडिया ने ही जीता, राइट? तो ये जैवलिन का क्या क्रेज़ है अभी इंडिया में या कैसे जैवलिन ग्रो कर रहा है कि इंडिया इतनी सारी कैटेगरीज़ में, स्टार्टिंग फ्रॉम नीरज चोपड़ा, अभी आपके जो इवेंट था वर्ल्ड चैम्पियनशिप वहाँ पर इंडिया गोल्ड पोजीशन पे भी था और सिल्वर पोजीशन पे भी था, तो क्या लगता है आपको ये कोई ट्रेंड आ रहा है जैवलिन का या ओवरऑल एथलेटिक्स में, और कैसे आप इसको देखते हैं? देखो 2014 की जब बात थी तो नीरज चोपड़ा के साथ मैंने 2 कॉम्पिटिशन किए भी हैं 2014-2015 में। ओके हालांकि उस टाइम पे मैंने जैवलिन स्टार्ट नहीं की थी बट जो 600 ग्राम की जैवलिन होती है उस टाइम पे मैं करता था हल्के हल्के। तो देखो ट्रेंड हर चीज़ का आता है, जैसे 2012 में रेसलिंग में मेडल आया तो रेसलिंग ऊपर उठ गई, 2016 में कुश्ती आई कुश्ती मेडल आ गया। तो अभी ट्रेंड जैवलिन का बहुत ज़्यादा चल रहा है, आने वाले टाइम में एक टाइम ऐसा भी होगा कि कंटिन्यू जैवलिन ही चलेगी ओलंपिक में और ओलंपिक में मेडल आएगा कंटिन्यू। नीरज चोपड़ा ने देखो इंडिया के लिए बहुत कुछ किया और आगे करता भी रहेगा। और मैंने कहीं पढ़ा था कि नीरज चोपड़ा आपके रोल मॉडल भी हैं, आपने बोला आप उनसे उनके साथ खेले भी हैं, तो मुझे ये जानना है कि एज अ ह्यूमन बीइंग वो कैसे हैं और क्या आपने उनसे कभी आपने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी और उन्होंने भी आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, तो वो कुछ शेयर कर सकते हैं उनके साथ जो आपने टाइम बिताया है? मैं सोनीपत कैंप में था 2018 में एशियन गेम के टाइम पे, वहाँ पे मेरे को नीरज मिले थे। हालांकि मिले तो मेरे 2-3 बार थे बट वहाँ पे हमारे 3 या 4 दिन रहे थे, हम साथ में रहे थे। तो जब मैं थ्रो सेशन लगाता तो मेरे को बताते थे वो कि ये है वो टेक्निक यहाँ से है। तो देखो मैं इंसान बहुत अच्छा है नीरज चोपड़ा, मैं मिल रहा हूँ अच्छी तरह उनसे, तो बहुत अच्छे इंसान है वो। ओके और उस टाइम पे जब आपने बोला 2015-16 आज से लगभग 7 साल पहले, राइट, उन्होंने आपको लगा था कि ये ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल ला पाएंगे? देखो अगर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा खुद को नहीं पता रहा कि मेरा मेडल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इंसान 97 मीटर लगा रहा जर्मनी का जॉनसन वेटर थ्रो, तो उसने 81-82 मीटर थ्रो लगाई है बट उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। नीरज चोपड़ा खुद नहीं पता रहा कि मेरा मेडल आ जाए, नीरज चोपड़ा ये सोच रहा था कि मेरा सिल्वर ब्रॉन्ज आ जाएगा। आई थिंक नीरज चोपड़ा जिनसे भी मैं उनके बारे में सुनता हूँ या जो भी मैं ऑनलाइन भी सुनता हूँ, एक चीज़ श्योर है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा हम्बल एथलीट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ एथलीट है, और वो अपने काम पे फोकस्ड हैं बिल्कुल आपकी तरह, जैसे आप भी सिर्फ काम पे फोकस्ड हैं। आपने शुरुआत में ही बोला कि मुझे रिजल्ट्स उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, मेरे को बस बेस्ट देना होता है। तो भैया नीरज चोपड़ा से आगे आप एक नए टॉपिक पर आते हैं, आप एक स्पोर्ट्स ऑफिसर भी हैं, आप एक गवर्नमेंट पोजीशन पे भी हैं, राइट, आप अपने ट्रेनिंग को और अपनी इस गवर्नमेंट पोजीशन को जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनको कैसे मैनेज कर पाते हैं, क्या आपको प्रॉपर टाइम मिल पाता है सारी चीज़ें करने का? देखो मैंने मैं जिस दिन मेरा छुट्टी क्या नाम है
जिस दिन मैं रेस्ट होता है उस दिन मैं जॉब पे जाता हूँ। जैसे मेरा हफ्ते में दो दिन का रेस्ट होता है तो मैं जॉब पे जाता हूँ उस दिन पे। हालांकि मैंने छुट्टी के लिए अप्रूव भी किया है हरियाणा गवर्नमेंट सरकार को, बट अभी तक मेरे को छुट्टी अप्रूव नहीं हुई है। ओके, बट टाइम निकालना पड़ता है जॉब के लिए भी। तो आई थिंक जो लोग कहते हैं कि हमारा आज रेस्ट डे है, वो आपका वर्क डे होता है, जहाँ पर आप एक रेस्ट, आप अपना जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ही लेते हैं, और अपनी जब खेल से टाइम मिल जाता है तब उसको टाइम देते हैं। बस एक मजबूरी लगा लो या कुछ भी लगा लो, एक जॉब, आप जॉब करनी भी पड़ रही है। हाँ जी, तो गेम तो देखो, गेम मेरा पहला पार्ट है, जॉब मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या करें, अब जॉब भी करनी पड़ रही है जिस दिन रेस्ट होता है मेरा। जी जी, तो भैया एक और चीज़ पूछनी है कि हरियाणा से इतने सारे एथलीट्स आते हैं, राइट? आपको क्या लगता है कि हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है कि यहाँ से इतने सारे एथलीट्स निकल के आते हैं? देखो, हरियाणा की मिट्टी में कुछ ना कुछ तो है, तभी तो इतने खिलाड़ी निकल रहे हैं। देखो, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करते हैं हरियाणा के खिलाड़ी, बहुत ज़्यादा। पहली बात, इनके पास आज से 2016 से पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी जितनी आज है। आज तो हर ग्राउंड पे कोचेज होते हैं, पहले कोचेज नहीं थे। अब तो और ज़्यादा मेडल आएंगे आगे आगे और हरियाणा के। जी बिल्कुल, तो अभी जो फैसिलिटीज़ हैं वो पिछले कुछ साल में इम्प्रूव हुई हैं बहुत ज़्यादा। मैंने बोला ना, कोचेज नहीं थे पहले किसी के पास, अब तो पर्सनल कोचेज रखते हैं खिलाड़ी अपने पास, फिजियो रखते हैं, राइट, स्पॉन्सरशिप आ गई खिलाड़ियों के पास बहुत ज़्यादा, राइट, आई थिंक विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। हाँ, ओवरऑल प्लेयर्स के लिए। तो भैया एक और चीज़ बताइए कि स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पैरा एथलीट्स, राइट, आपको जब आप ग्रो कर रहे थे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, राइट? क्योंकि एक पैरा एथलीट को मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जिनकी कोचेज मिलना भी बहुत मुश्किल होता है कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस थे। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपको क्या लगता है कि कैसे एड्रेस करा जा सकता है, या जो आपने चैलेंजेस खुद फेस करे हैं उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है और कैसे सॉल्व किया जा सकता है? देखो, पैरा का जो खिलाड़ी होता है ना, उसके लिए कोचेज वही होता है जिसने गेम पहले किया हो, जिसने कुछ अपने या लाइफ में अचीवमेंट किया हो, और वो इंसान वही समझ सकता है जो कंटिन्यू काम करता हो, उसके ऊपर वर्क करता हो, 4 साल 5 साल 10 साल, वो इंसान उसको समझ सकता है उसकी बॉडी को। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि जो एथलीट्स एंड पैरा एथलीट्स, राइट, सभी को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, राइट, उनके लिए क्या मैसेज है आपके मन में कि उनको कैसे उसको ओवरकम करना चाहिए? क्योंकि आपके साथ भी कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ था जब आप सिर्फ 3 साल के थे, राइट, वहाँ से उठ के आपने भारत के लिए अब मेडल जीत रहे हैं, ठीक है, और ये सिर्फ शुरुआत है जहाँ तक मैं देखता हूँ आपकी जो करियर की, ये सिर्फ शुरुआत है, यहाँ से आप सिर्फ आगे ही बढ़ने वाले हैं, राइट? तो उस माइंडसेट को कैसे बिल्ड करें, कैसे डेवलप करें और कैसे उसको अपने गेम में लेके आएँ? देखो, स्पोर्ट्स पर्सन का एक गेम है कि भाई पार्ट है, एक जब किसी को इंजरी आती है ना तो दुखी बहुत होता है, बट एक पार्ट गेम होता है स्पोर्ट्स में, इंजरी आती जाती रहती है, इससे ऊपर उठ के हमने अपने पर्सनल बेस्ट जो भी थ्रो होती है या इवेंट होता है, जो भी एथलेट 100 मीटर 200 मीटर, हमने उसमें अचीवमेंट करना है। हमने ये नहीं देखना कि हमारा रिजल्ट आ नहीं रहा, हमने अपने वर्क पे फोकस करना है कि हमने अपने जिस चीज़ में हमको खुशी मिली है वो चीज़ हमको करनी है, हमको खुशी मिलनी चाहिए अंदर से अब कि हमने आज वर्क किया है, हमने फल ना मिला ना मिला, चाहे 2 साल बाद मिले फल, मिलेगा ज़रूर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो, जहाँ पर विच इज़ मोर अराउंड कि आप प्रोसेस पे फोकस करो और रिजल्ट्स अपने आप मिलते चलेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा जो लेजेंड्स हैं स्पोर्ट्स के वो इस बारे में बोलते भी हैं। देखो, फल की चिंता ना करो, ऊपर वाला बैठा है वो सब कुछ करेगा, अगर उसने कुछ दिया तो वो आगे भी कर देता रहेगा। जी भैया, आपके जो ये एथलेटिक्स करियर है, इसके बाद आपके कुछ प्लान्स हैं कि आप कुछ करें स्पोर्ट्स के लिए, अपने पैरा एथलीट्स के लिए या अपने एथलीट्स स्पेसिफिकली उनके लिए? देखो, अभी तो मैंने उसके बारे में कभी सोचा नहीं है कुछ भी, क्योंकि पहले तो मैं अपने बारे में ही, क्योंकि मैं ओलंपिक मेडल जीतना चाहता हूँ, अभी तो उसी पर फोकस है, राइट। और आपका यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था जिस पे मैं आने वाला था कि आपके
फ्यूचर के गोल्स क्या हैं, मतलब आप आगे क्या क्या आपने माइलस्टोन्स सेट करे हुए हैं, क्या आप अचीव करना चाहते हैं? मेरा एक सबसे बड़ा गोल एक ही है, जो इंडिया में ओलंपिक होना, मैंने उसमें मेडल जीतना। वाओ, एंड वी होप कि वो सच हो और बहुत ही जल्दी हो। दो सपने हैं यहाँ पर, इंडिया में ओलंपिक्स होने का सपना और उसमें आपके मेडल का जीतने का सपना, जो हम दिल से चाहते हैं कि वो पूरा हो, राइट? सो भैया, ओवरऑल अगर हम ओलंपिक स्पोर्ट्स की बात करें, राइट, बहुत सारे एथलीट्स हैं जो कि निकल के आ रहे हैं आज की डेट में, राइट, और अलग अलग स्पोर्ट्स में निकल के आ रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप और उसका क्रेडिट किस चीज़ को जाता है कि जो हमारे इतने सारे खिलाड़ी, हमें खासकर फीमेल खिलाड़ी, राइट, उभर कर आ रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है, कैसे वो पॉसिबल हो पा रहा है और इसको, इसका फ्यूचर क्या है? वही बोला ना मैंने, क्योंकि इंडिया में फैसिलिटी होगी, बाहर ट्रेनिंग के लिए कोचिज मिलते हैं, बाहर जाते खिलाड़ी, स्पॉन्सरशिप होगी, एक खिलाड़ी पास दो दो तीन तीन स्पॉन्सरशिप है। और सबसे बड़ा मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, फैमिली का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हर खिलाड़ी के साथ आज के दिन, और वो क्योंकि खिलाड़ी एक दूसरे को देख के खिलाड़ी बनता है। बिल्कुल 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 भैया। अब लास्ट में भैया एक लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, जहाँ पर इफ़ यू कैन शेयर समथिंग जो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जिससे आपकी लाइफ पूरी चेंज हुई हो, या किसी ने कुछ ऐसा आपको बताया हो या कुछ ऐसा गाइड करा हो जिससे एक ट्रांसफॉर्मेशन आई हो। चेंज ही मेरे लाइफ में 2013 में आ गया, जब मैंने गेम स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मेरे को बताया कि भाई पैरा के ऐसे ऐसे गेम होते हैं, आप गेम करो, आप अच्छा करते हो, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। फिर मैं नेशनल में गया गाजियाबाद, वहाँ पर मैंने सेकेंड पोजिशन ली थी, फिर मैं ओलंपिक में चला गया था, उसके बाद मैं लंदन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में चला गया। चेंजिंग मेरे 2013 से स्टार्ट हो गए थे, राइट। मैं पढ़ाई में नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। ओके, नहीं, बट फिर भी आप एक अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। आई थिंक आपको जिम में वारी लेना आता है, तभी आपको इस पोजीशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जहाँ पर आप और एज अ स्पोर्ट्स ऑफिसर आप स्पोर्ट्स कंट्रोल कर रहे हैं, आई थिंक आप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हरियाणा में। तो एक फाइनल चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स इन जनरल कितना पावरफुल टूल है एक इंसान की डेवलपमेंट के लिए, और आजकल की जो जनरेशन है जो फ़ोन्स या लैपटॉप्स या गैजेट्स में घुसी रहती है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और स्पोर्ट्स को कैसे अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करें, वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखो, मैं सभी को एक चीज़ बोलता हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन को ही बोलता हूँ जो मेरे से जूनियर होते हैं, भाई अपने गेम पे, अपनी जो चीज़ होती है, जो भी काम होता है उस पर फोकस करो, जो अपना वर्क होता है, चाहे स्टडी हो, चाहे वो क्या नाम है स्पोर्ट्स हो, चाहे कुछ भी हो, उस चीज़ पे फोकस करो सिर्फ, ये फोन वगैरह एक उस चीज़ नहीं होती है। बिल्कुल, आई थिंक भैया थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्सेशन के लिए, हमने बहुत कुछ जाना है आपके बारे में जो शायद अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, और इस कॉन्वर्सेशन के बाद बहुत सारे लोग उसके बारे में जानेंगे। एंड आई पर्सनली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एशियन गेम्स विच इज़ हैपनिंग इन चाइना, और सिर्फ आज से 50 या दिन बाद ही आप वहाँ पर ट्रैवल करने वाले हैं, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि वहाँ पर आप गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर आएँ और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। सो थैंक यू सो मच आपने ये कॉल। थैंक यू जी।